वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस कैपिटल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस कैपिटल स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते सभी जन जानते हैं कि रिलायंस कैपिटल के यहाँ पे ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते जो प्रॉब्लम हो चुकी है वो सभी को पता होगी। तो रिसेंटली देख सकते कि रिलायंस कैपिटल की न्यूज़ के ऊपर नजर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते कि रिलायंस कैपिटल की बात की जाए तो देख सकते 97% तक गिर चुका है शेयर। मीन्स यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे बिड्स, बहुत सारे बिड्स आ रहे हैं रिलायंस कैपिटल के ऊपर। ये एक्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन मीन्स यहाँ पे मंथ के एंडिंग में देखने को मिल सकता है रिलायंस कैपिटल के लिए। और बेस्ट बीड यहाँ पे देखा जाए, बेस्ट जो बीड है स्टार्ट 5,231 करोड़ की है रिलायंस कैपिटल के लिए। तो देख सकते कि स्टॉक डिलीट भी हो सकता है, जो चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे देख सकते तो चाहे कुछ भी हो सकता है। रिसेंटली तो डिलीट का अपडेट नहीं, पर यहाँ पे स्टॉक जो सेल करने वाला है उसके ऊपर यहाँ पे नजर आ रहे, क्योंकि देख सकते कि बीड यहाँ पे 5,231 करोड़ मीन्स 5,231 करोड़ की बीड होने वाले है। तो रिसेंटली देखा जाए तो बाकी कोई खास अपडेट नहीं है। तो बाकी की जो डिटेल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते रिलायंस ट्रेडिंग रजिस्टर्ड ऑन अकाउंट ऑफ आईबीसी इंश्योरेंस बैंकरप्सी कोड की वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग को रजिस्टर्ड किए। तो लेटेस्ट अपडेट देखा जाए तो कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। 9 तारीख को यहाँ पे देख सकते कि लेटेस्ट अपडेट आया था, उसके ऊपर नजर डालेंगे कि कोई खास अपडेट है क्या। तो रिसेंटली देखा जाए तो देख सकते कि स्टॉक में कोई अपडेट जो आया था, वी हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म यू दैट द 27 मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन ट्यूजडे डिसंबर 6 बोर्ड एडजर्न दिस मीटिंग वॉज हेल्ड टूडे फ्राइडे डिसंबर 9/11 इन मुंबई फॉरवर्ड ऑफ सी आर पी प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज माइल स्टोन स्टिपुलेट अंडर द कोड एंड गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी। द कंपनी हैज बीन अगेन एडजर्न्ड ट्यूजडे डिसंबर 13। मीन जो मीटिंग थी वो आज होने वाले, 9 तारीख को जो मीटिंग होने वाली थी वो आज मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, कोई खास अपडेट यहाँ पे सामने नहीं आए, मीटिंग भी नहीं हो चुकी है पूरी। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे रिलायंस कैपिटल के लिए।